आइए वेलकम ओरी रोडी, हमारे इस ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट्स में आपका स्वागत है साथियों। और आज हम आपके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो कि NIOS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ये प्रॉफिटेबल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। साथियों आज हम बात करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे उन सभी टॉपिक पर जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अर्थात हम यहाँ पे बात करेंगे TMA जो कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होती है, जहाँ पे आपको एक नई शेड्यूल्स देखने को मिला है, एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है आपकी NIOS के वेबसाइट पर। बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट दे डिलीवर फॉर यू। तो साथियों आज उन्हीं चीजों को हम आपके बीच में लेंगे, आखिर NIOS जो नई जो नोटिफिकेशन जारी की है उन्होंने, उसका कहना क्या है। साथियों आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे TMA बनाने से लेकर TMA अपलोड करने तक की हर एक प्रक्रिया को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप TMA बनाने में सक्षम नहीं है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो वो भी सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। साथियों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि TMA पे जो नोटिफिकेशन जारी की गई है हमारे NIOS की वेबसाइट में, उसके बारे में बात करते हैं साथियों, है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी 31 जनवरी तक आपके पास लास्ट डेट है फॉर सबमिटिंग द TMA, है ना। TMA को आप अपलोड कीजिए, 31 जनवरी तक लास्ट डेट है विदाउट पेइंग एनी फी। अगर आप 31 जनवरी के बाद अगर TMA को जमा करते हैं तो सर्वप्रथम आपको जो है पहले 1500 रुपया पर सब्जेक्ट, है ना, 1500 रुपीज इच सब्जेक्ट आपको जो है पहले जमा करनी होगी, पैड करनी होगी, उसके बाद आपकी TMA जमा होगी। ये सारी चीजें आपको मैं पहले से बता दिया हूं। वैसे अभ्यर्थी या वैसे स्टूडेंट हु आर नॉट एबल, किसी वजह से वो अगर नहीं TMA को बना पाते हैं, तो हमारी वेबसाइट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगी, साथ में साथ स्क्रीन में भी मिल जाएगी, तो आप क्या करेंगे वहां से हमारी TMA को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर अपलोड कर सकते हैं। और वैसे विद्यार्थी चाहे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हो और कोई किसी काम के वजह से वो अगर नोट्स को लिख नहीं पाते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स आर आल्सो अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। मतलब आप हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, कोई छोटा सा मिनिमम सा पे करके आप ले सकते हैं, एकदम छोटी सी रकम, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिलता ही नहीं है ना। एकदम छोटी से छोटी अमाउंट में आपको अच्छी कंटेंट मिल जाएगी, और जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार करी है वो सारे टीचर्स ने करी है। वी आर नॉट ओनली द यूट्यूबर्स बट आई एम द टीचर्स, हम एक शिक्षक भी हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपके तक बेहतर क्वेश्चंस के आंसर, बेहतर TMA के जो कंटेंट है वो आपके तक पहुंचा सके, जो कि इफेक्टिव हो और जो है अंकदायिनी हो, है ना, अंक देने वाला हो। मतलब ऐसा आंसर लिखे जिससे कि मोर एंड मोर नंबर्स यू कैन गेन फ्रॉम द बेस्ट आंसर ऑन योर TMA। तो आइए हम सबसे पहले तो अपने वेबसाइट पे चलते हैं, और वेबसाइट में जो कंटेंट, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उनके आधार पर आपको मैं समझाने के एक बार हम यहां से देख लेते हैं चीजों को कि कैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या आई हुई है। तो सबसे पहली बात तो है कि स्टेप वन में लिखा हुआ है जो कि आपके स्क्रीन पर है, अपलोडिंग ऑफ TMA विल बी अवेलेबल ओनली एज पर द TMA अपलोडिंग शेड्यूल्ड मेंशनड बाय NIOS फॉर ईच सेशन। यहां पे ये कहता है कि आपकी TMA अपलोड करने के लिए, है ना, अपलोडिंग करने के लिए आपको एक समय शेड्यूल्ड की जाएगी जो कि NIOS के द्वारा होगा। उसी समय सीमा पे आपको क्या करनी होगी, तो वहां पे डिपॉजिट करनी होगी, आपको अपलोड करनी होगी। स्टेप वन समझ में आ गई। स्टेप टू इज सबमिटिंग और अपलोडिंग TMA इज एप्लीकेबल, है ना। आपको अपलोडिंग और जो सबमिटिंग कीजिएगा TMA वो अप्लीकेबल तभी किसके लिए होगी, तो बोलता है कि लर्नर्स और स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रीम वन, मतलब स्ट्रीम वन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ही ये TMA को अपलोड करेंगे। स्टेप टू समझ गया। स्टेप थ्री आते हैं और लिखता है कि TMA कैन बी अपलोडेड ओनली फॉर द सब्जेक्ट फॉर विच द लर्नर स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड इन NIOS। TMA जो आप अपलोड करेंगे साथियों तो वो वही करेंगे जो कि आपने NIOS में रजिस्टर्ड करी थी उसकी वेबसाइट पर, क्लियर है। रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट चुना था उन्हीं का आप अपलोड करेंगे। उसमें आगे और भी लिखता है कि TMA ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर TOC, है ना, जो TOC वाली जो बच्चे हैं तो वो जो है क्या करेंगे, तो चिल्लाएंगे नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, जो बाहर में बोल रहे हैं थोड़ा सा शांत रहिएगा, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं आप, चिल्लाइएगा तो ऊपर सीढ़ी से चल जाइए ऊपर, और ऊपर में जो होगा उनको बुला लीजिए वहां पे ऊपर में।
तो वहां पे लिखा हुआ है कि टीएमएस सब्जेक्ट्स, देखिएगा मैं फिर से बोलता हूँ, टीएमएस सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मतलब टीओसी वाले बच्चे अपलोड इसे नहीं करेंगे। टीओसी आप समझ रहे हैं बातों को। आइए चौथा नंबर स्टेप, जो फोर्थ स्टेप है, वो कहता है वंस द ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग और अपलोडिंग टीएमएस ओवर, अगर अपलोड करने की समय सीमा खत्म हो जाती है तो बाद में है ना, अब वहां आगे लिखा हुआ है कि TMA only after paying the TMA late fee only through the student portal। देखिए अगर आपकी जो समय निर्धारित की गई है TMA जमा करने की, अपलोड करने की, तो अगर आप समय पे नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो बाद में आपको 1500 रुपया पर सब्जेक्ट का आपको पे करना होगा, बाद में आप डिपॉजिट कर पाएंगे। क्लियर है। फिफ्थ स्टेप आते हैं, वो कहता है कि बिफोर अपलोडिंग द TMA, है ना, TMA अपलोड करने से पहले प्लीज इंश्योर दैट द करेक्ट TMA इज सिलेक्टेड फॉर अपलोड। आप अपलोड करने से पहले यह आश्वस्त हो जाए, इंश्योर हो जाए कि जो सब्जेक्ट का आपको जमा करनी है तो वो सब्जेक्ट ही आपने वहां पे कलेक्ट करके, सिलेक्ट करके वहां पे अपलोड करी है। आप श्योर हो जाए कि हिंदी का करना है तो हिंदी का ही PDF उठा के वहां पे आप डिपोजिट कीजिएगा। समझ गए बात। और फिर लिखता है कि TMA वंस सबमिटेड कांट बी सबमिटेड अपलोडेड अगेन, अगर एक बार आपने TMA जाकर के सबमिट कर दी तो फिर दोबारा सबमिट नहीं होगी। ये भी हो गई। सिक्स नंबर है स्टेप कि TMA स्टेटस कैन बी सीन फ्रॉम द TMA स्टेटस ऑन TMA टाइल ऑन द स्टूडेंट डैशबोर्ड। देखिए ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के जो स्टेटस है वो आपको स्टूडेंट्स डैशबोर्ड में, जो कि TMA के टाइल है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं सेवंथ स्टेप, और सेवंथ स्टेप कहता है कि देयर आर फोर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग द TMA। आपके जो TMA जो अपलोड करेंगे उसके चार स्टेप है, फोर स्टेप्स है, देयर आर फोर मेजर स्टेप्स फॉर अपलोडिंग द TMA, जिसमें कि स्टेप वन है डाउनलोड TMA, सबसे पहले आप TMA को डाउनलोड करेंगे। दूसरी बात स्टेप टू प्रिपेयर हैंड रिटन TMA। देखिए आप क्या करेंगे तो हैंड रिटन TMA को क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले आप हाथ लिखित हाथ से TMA को प्रिपेयर करेंगे विद मार्किंग ईच पेज विद पेज नंबर, प्रत्येक पेज में आप पेज नंबर लिखेंगे, मार्क करेंगे उसमें। क्लियर। यहां पे उसको आपको हाथ से मतलब लिखना पड़ेगा, उसमें प्रत्येक पेज में पेज नंबर लिखना अनिवार्य है। फिर आगे कहता है स्टेप थ्री है स्कैन द हैंड रिटन TMA इनटू PDF फॉर ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। जो TMA आपने बनाया, हैंड रिटन बनाया, उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से स्कैन करेंगे, PDF बना लेंगे, ठीक है। और फिर कहता है स्टेप फोर अपलोड द TMA सेव्ड इनटू PDF फाइल। आप उस PDF जो सेव आपने जो PDF को किया उसको आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। और नीचे जो बेहतरीन चीजें हैं वो ये है, नोट में इसको आप मेंशन कीजिएगा, लिखा है ईच वनली एक्टिविटी ऑफ द लर्नर, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक अधिगमकर्ता, प्रत्येक स्टूडेंट के एक्टिविटी है ना, स्टूडेंट विल बी ट्रैक्ड एंड मॉनिटर्ड ऑन द पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम लॉग इन टिल लॉग आउट, IP एड्रेस एंड सिस्टम एनवायरमेंट ऑफ द डिवाइस, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल IMEI विल बी मॉनिटर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड फॉर फर्दर एनालिसिस टू इंप्रूव द सिस्टम। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखा, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के ऑनलाइन एक्टिविटी को, प्रत्येक विद्यार्थी जो ऑनलाइन गतिविधियां करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन जो भी आप उसके वेबसाइट में कर रहे हैं, तो लिखता है स्टूडेंट विल बी ट्रैक्ड, उस स्टूडेंट को ट्रैक करी जाएगी कि आप किस जगह से, आपकी लोकेशन चेक करी जाएगी, एंड मॉनिटर्ड ऑन द पोर्टल, और उस पोर्टल पे आपको मॉनिटर्ड भी की जाएगी है ना, उसको वहां पे इंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा। साथ ही साथ लिखता है कि कहां से कहां तक, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉग इन टिल लॉग आउट, आप जब लॉग इन कीजिएगा और लॉग आउट करने तक की हर गतिविधि को वो नजर रखेगा। क्लियर। यहाँ पे आपके अंतर्गत आने वाले जो डिवाइसेस होंगे, लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर होगी, मोबाइल का IMEI नंबर होगा, सारे चीज को वो सिक्योरिटी के लिए वो क्या करेगा और फर्दर आगे एनालिसिस करने के लिए उसको वो संचयित रखेगा। तो अर्थात ये है कि साथियों आप जो PDF जो अपलोड करेंगे, आप जब लॉग इन कीजिएगा तो लॉग इन से लेके लॉग आउट तक की हर एक एक्टिविटी को वो क्या करेगा, तो मॉनिटर करेगा है ना, और वो आपको जो है ट्रैक भी करेगा। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप स्वयं से PDF को जमा करें। दूसरी बात साथियों, अगर बहुत सारे, देखिए मैं कुछ और भी अब चीजों को यहां पर मैंने रखा जो कि विशेष करके नोटिफिकेशन हमारे NIS की तरफ से थी, तो वो मैंने आपकी बात सामने रख दी। तो स्टूडेंट, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द TMA, देन यू कैन
देन यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट दैट इज द ग्रोथ एजुकेशन www.growtheducationpoint.com। यहां से चले जाएंगे और वहां पे आपको जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के जो आपको चाहिए होगा वहां पे टीएमए अवेलेबल है, उसके आंसर अवेलेबल है ना। जो नहीं कर सकते हैं वैसे अगर आप करना चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स ने जो स्पेस जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं उन्होंने खुद से तैयार करी है और जबरदस्त आंसर उन्होंने तैयार करी है। तो उस चीजों को जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं विथ पेइंग द मिनिमम फी, पहली बात। दूसरी बात, वैसे स्टूडेंट जो कहीं जॉब करते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं या किसी वजह से जो वो करने में सक्षम हैं तो उनके लिए रहेगा कि आप जो है नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू राइट हैंड रिटन नोट्स हैंड रिटन टीएमए, देन यू कैन आल्सो कॉल इन आवर नंबर एंड वी विल प्रोवाइड इट बाय द कुरियर और बाय द एनी मोड ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। ओके, तो चलिए साथियों मेरे डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल द पॉइंट्स व्हाटएवर व्हाट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन ओके मैंने सारी चीजों को यहाँ पे बात रखा। तो चलिए साथियों हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर और फिर कुछ ऐसे अच्छे कंटेंट को लेके हम आएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट्स चैनल पे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।